राजस्थान विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा। बीजेपी के संस्थापक सदस्य और पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह जसोल के बेटे मानवेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए। चुनावी सरगर्मी के बीच बुधवार को राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर तब हुआ जब बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट से विधायक मानवेंद्र सिंह जसोल कांग्रेस में शामिल हो गए। मानवेंद्र सिंह वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री और बीजेपी के संस्थापक सदस्य जसवंत सिंह के बेटे हैं। बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के घर पर मानवेंद्र सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। मानवेंद्र सिंह के साथ उनकी पत्नी चित्रा सिंह, जसवंत सिंह की पत्नी शीतल कंवर और जसवंत सिंह के दूसरे बेटे भूपेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली। वो स्वाभिमानी सेना जो हमारे साथ कांग्रेस में आ रही है, वो सेना मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस का पूरा सहयोग देकर आने वाले विधानसभा में और उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी राजस्थान में एक ऐतिहासिक परिणाम देगी, ये मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। मानवेंद्र सिंह जसोल के कांग्रेस में शामिल होने से राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बाड़मेर और जैसलमेर की जनता में जसोल परिवार काफी प्रभाव रखता है। इन इलाकों के राजपूत तो जसोल परिवार के साथ हैं ही, साथ में सिंधी और मुस्लिम भी जसोल परिवार के करीबी माने जाते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जसवंत सिंह को टिकट नहीं दिया था, इससे उनको निर्दलीय ही चुनाव लड़ना पड़ा था। उस चुनाव में जसवंत सिंह हार गए थे। इसी के बाद से जसवंत सिंह का परिवार बीजेपी से नाराज चल रहा था। पिछले महीने हुई बाड़मेर के पचपदरा की स्वाभिमान रैली में मानवेंद्र सिंह ने एक ही भूल कमल का फूल कहकर बीजेपी छोड़ दी थी। अंकुश चौबे की रिपोर्ट, गो न्यूज़।